हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे झंगोरों के खेतों में से। पहाड़ी ब्लॉक को पूरा जरूर देखें। पहाड़ की पैदावार जैसे इसे पहले बोया जाता है, फिर इसकी निराई गुड़ाई किया जाता है, फिर उसके बाद इसको काटा जाता है, फिर घर ले जाया जाता है, फिर इसे सुखाया जाता है, फिर धूप में बैलों से इसकी मरम्मत की जाती है, फिर उसके बाद उसे गाय भैंसों के लिए चारा भी होता है, इंसानों के लिए भात भी होता है इससे, और ये बहुत चीज़ों का रोग उससे करता है। ये शुगर के लिए बहुत अच्छी दवाई होती है, इसका भात बहुत अच्छा भी करता है शुगर। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो आज मैं जा रहा हूं खेत, तो अपने पहाड़ी लाइफस्टाइल में खेत, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि कंटी, और इसे हम पहाड़ी भाषा में सोल्टी भी बोलते हैं। तो आगे आगे देखते रहिए। तो ये पीछे जो बैकग्राउंड है, यो हमारे विलेज रवाणी का बैकग्राउंड है। फ्रेंड्स, यह वह स्पॉट है जहां पर कि झंगोरे के खेत हैं, यह सभी गांव वालों के खेत हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ में सीढ़ी नुमा खेत कितने सुंदर लगते हैं। अभी ले चलते हैं आपको झंगोरे के खेत की ओर। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका अपने झंगोरे के खेत में। तो आज आपको दिखाता हूं झंगोरा किस टाइप का होता है, और आप देख सकते हैं ये जो झंगोरा है इसके अंदर देख सकते हैं आप बारीक बारीक बीज होते हैं। यही हमारे पहाड़ की प्रसिद्ध फसल झंगोरा बोलते हैं इसे। तो आप अभी देखें पीछे मेरी मम्मी झंगोरा काट रही है, आपको दिखाते हैं आप कैसा झंगोरा काटा जाता है पहाड़ में। तो फ्रेंड्स, आप पूरा प्रोसेस देखें झंगोरे को किस प्रकार से काटा जाता है। आप देखें दरांती से जो टहनी के ऊपरी हिस्से पे जहाँ पर झंगोरा लगा हुआ है उसको अलग सा काटा जाता है, और कंडी में इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद यहाँ से घर को ले जाया जाता है। तो आगे आगे देखते रहिए पूरा प्रोसेस, अगर समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट में पूछ लेना। आपको वीडियो कैसी लगी हमारी? तो जैसी भी लगी हो नीचे कमेंट कर देना, तो ऊपर लाइक भी कर देना, और क्या कर देना दीपी? हाँ, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो गाइज, यह भी एक पहाड़ी रोजगार का जरिया है। लोगों के क्विंटलों के हिसाब से झंगोरा उपज होता है, और यहाँ से मार्केट के लिए सप्लाई होता है, और वही मार्केट से आप लोगों तक पहुँचता है। तो फ्रेंड्स, आजकल पहाड़ में बहुत कामकाज होते हैं, जैसे झंगोरा, रावी, मंडुआ, इसके बाद आलू भी निकाला जाएगा। तो पूरा जो भी पहाड़ में जितने कामकाज कार्य होते हैं मेरे चैनल पर, आप ज़रूर हर वीडियो को उपलब्ध पाएंगे। आपका काम होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार बनाए रखना। वैसे तो मैं आज तक कभी कामकाज नहीं किया है, परंतु यूट्यूब वीडियो के कारण मैं खेतों तक आया हूँ। तो यूट्यूब जो भी
ऑनर है उसका भी मेरा दिल से धन्यवाद कि मैं यहाँ पर खेतों तक तो आया अपने खेतों को देखने के लिए कि कैसा हमारा पहाड़ में खेत और यहाँ के कामकाज होते हैं। तो जितना भी मैं बना सकूँ, जितना मैं कैप्चर कर सकूँ, आप लोगों का काम होगा सपोर्ट देना। तो गाइस बने रहे। सूरज की पहली किरणों के साथ हम पहुंच चुके हैं झंगोरे के खेत में। तो अभी सूरज भी चमक चुकी है और यहाँ पर मेरे पीछे मेरे नाना जी जो कि बहुत अच्छे कामकाज में एक्सपर्ट, आप देख सकते हैं 80 साल में भी ये अपने पूरे घर को अकेले चलाते हैं और हर काम को करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे नाना जी के एज को खुद ही अनुमानित करें। इनकी एज 80 प्लस हो चुकी है, परंतु इनका कार्य क्षमता बहुत ही तेज़ी से है। ये बहुत फुर्तीले हैं, आप खुद ही देखें। ये अकेले ही सब कार्य को कर देते हैं, चाहे वो घास काटना हो, हल लगाना हो, और घर में अकेले हैं तो सभी काम ये खुद ही करते हैं। ऐसा लगता है कि 20-25 साल का कोई नौजवान युवक काम कर रहा होगा, और इनके इस उम्र में इतना कार्य करना, हम भी इनको नमन करते हैं। थैंक्स नाना जी। तो गाइस, ये है मेरे नाना जी की लड़की यानी मेरी मम्मी। इनको अभी ज़्यादा काम करना नहीं आता है, इसीलिए मैं अपनी मम्मी को कार्य सिखाने के लिए खेत में लाया हूँ। तो आप देखें मेरी मम्मी को काम करते हुए, और मेरी मम्मी मुंद मुस्कराती हुई। थोड़ा बहुत जितना भी होता है मैंने तो काम कर दिया है खेत में। तो अब मैं चलता हूँ घर की ओर। तो जो हमने इससे पहले झंगोरा काटा था वो आगे दूसरे खेत में रखा है, तो उसको वहाँ से घर के लिए मैं ले जाऊँगा और मम्मी लोग अभी थोड़ा और काट रहे हैं दूसरे खेत में, तो वो काट कर थोड़ा देर में आएंगे। तो वैसे तो हमारा पहाड़ बहुत सुंदर है, हमारे पहाड़ के खेत भी बहुत सुंदर हैं। तो गाइज, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं बहुत कम आता हूँ खेत पर, अब अपने YouTube परिवार के लिए मैं खेत आना भी स्टार्ट कर दिया, ताकि मेरे पास नया कंटेंट उपलब्ध रहे, नई वीडियोस बने रहे। तो गाइज, दिल से आपका आभार, आप लोगों के कारण मैं खेत तक आया और अपने परिवार के साथ थोड़ा बहुत उनकी हेल्प भी की खेत में। तो फ्रेंड्स, यो जो झंगोरा हमने पहले कलेक्ट किया था सोल्टे में, अब उसको घर के लिए ले जाएंगे। तो आप हमारा पूरा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है सारा हमारा गांव का एरिया और हमारी खेतीबाड़ी जो भी है। तो पहाड़ में कार्य ज़रा कठिन ज़रूर होता है, परंतु यहाँ का जो भी अनाज होता है वह पोषक से भरपूर और शुद्ध उपलब्ध रहता है। तो यहाँ ये यह सोल्टी में आप देख सकते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने काटा था, वही अभी मैं घर ले जा रहा हूँ और मम्मी लोग थोड़ी देर में आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं, आप पहाड़ी लाइफ को देख रहे हैं। तो कार्य आप देख ही सकते हैं, यहाँ सीढ़ी नुमा खेत है, चढ़ाई चढ़ने में थोड़ा कठिनाई ज़रूर होती है,
परंतु पहाड़ से ही हर चीज़ मौजूद रहता है। पहाड़ की सुंदरता को हर कोई पसंद करता है और यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी है जो बाहरी लोगों को बहुत पसंद आती है। जैसे कि ये भी एक फसल है, तो अभी ये अच्छे से पके नहीं हैं, तो जब ये पक जाएंगे तो इनको भी काटने के लिए आना पड़ता है। तो गाइज सपोर्ट बनाइए रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को। अगर व्यूज़ अच्छे आते तो और मन करता है वीडियो बनाने का। तो दोस्तों दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल के वीडियोस को वॉच करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। यहीं पर समाप्त किया जाता है। मैं पहुंच चुका हूं रोड पे और थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। आप सभी का शुक्रिया।